कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को शरण देने के बाद भाजपा के बहुत से नेता इस्तीफा देकर जहां पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, वहीं अब भाजपा के लिए एक और परेशानी पैदा होती हुई नजर आ रही है। यह परेशानी वो नेता पैदा करने वाले हैं जिन्हें पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं दिए थे। मंडी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले ऐसे सभी नेताओं ने पंडोह में अपनी एक बैठक का आयोजन किया और लोकसभा चुनावों को लेकर आगामी रणनीति तैयार की। यह बैठक द्रंग के पूर्व भाजपा विधायक जवाहर ठाकुर के कहने पर बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व में सरकाघाट से रहे भाजपा के विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने की। बैठक में किन्नौर से रहे भाजपा के पूर्व विधायक तेजवंत ने की। आनी से पूर्व विधायक किशोरी लाल, HPMC के चेयरमैन रहे कुल्लू से राम सिंह, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह, पूर्व प्रदेश सचिव व मीडिया प्रभारी रहे मंडी से प्रवीण शर्मा और सुंदरनगर से पूर्व में मंत्री रहे रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर का नाम शामिल है। 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में इन्हें भाजपा का टिकट नहीं मिला तो कर्नल इंद्र सिंह और जवाहर ठाकुर को छोड़कर बाकी सभी ने निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इन सभी ने 1,00,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अब इन सभी की नजरें इन लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई है। भाजपा या कांग्रेस में से जो भी दल इन्हें रिझाने में कामयाब हो जाता है, ये अपने समर्थकों सहित उनके साथ चल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखे तो भाजपा ने कांग्रेस के बागियों को तो शरण दे दी है, लेकिन अपनी ही पार्टी से बागी हुए इन लोगों की तरफ से अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। जानकारी ऐसी मिल रही है कि ये बागी मिलकर अपने किसी प्रत्याशी को भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। वहीं अब इस बारे में पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बैठक करने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि भविष्य में क्या करना है, इसे लेकर सभी के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसके तहत ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।